अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी या मोटापा अब एक बीमारी के तौर पे पहचाना जाता है। हिस्टोरिकली किसी ज़माने में मोटापा जो है वो अमीर लोगों में होता था और ये एफ्लुएंट होने की या अमीर होने की एक निशानी भी समझा जाता था, लेकिन 2013 में मोटापे को प्रॉपर एक बीमारी का दर्जा दे दिया गया है। अमूमन आपकी बॉडी हाइट और वेट एक बैलेंस में होते हैं और इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से या बीएमआई से। नॉर्मल बीएमआई 18 से 25 तक होता है और जब ये इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आप ओवरवेट होते हैं। जब बीएमआई 30 से ज़्यादा हो तो आप मोटापे की फहरिस्त में आ जाते हैं और अगर बीएमआई 45 से ज़्यादा हो तो आप मॉर्बिडली ओबीज या बीमार हद तक मोटों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर एक को एक प्रोपोर्शन से बनाया है। आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की हाइट 5 फीट है तो उनका आइडियल बॉडी वेट 54 या 55 किलो के अराउंड होना चाहिए। अगर किसी की हाइट 6 फीट है तो उनका वेट तकरीबन 83-84 किलोग्राम्स तक होना चाहिए। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाते रहें और उसको बर्न आउट ना करें तो ये ज़्यादा खाना या एनर्जी आपकी बॉडी में जमा होने शुरू हो जाती है, जिगर में, पेट में, आंतों के साथ, लबलबे में, हिप्स पे, और ये सारी की सारी फैट की शक्ल में जमा होती है और फैट आपके लिए एक एनर्जी का स्टोर है। तो किसी हद तक तो बॉडी इन सारी चीज़ों को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में खाते रहें तो ये सारा फैट या मोटापे की शक्ल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और मोटापा एक बीमारी है। अगर लिवर के अंदर फैट जमा होगा तो आपका लिवर एवेंचुअली डैमेज होकर सिरोसिस हो जाएगा। अगर लबलबे में फैट जमा होगा तो अल्टीमेटली डायबिटीज़ हो जाएगी और फैट ज़्यादा होने से खून की नालियाँ सख्त हो जाएंगी, जिसमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक फॉलेज का रिस्क बढ़ जाता है, डिप्रेशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो, आपके घुटनों पर बहुत ज़्यादा वज़न पड़ता है तो उससे जोड़ों की बीमारियाँ हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसका रिस्क बढ़ जाता है। और मोटापे के साथ इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मोटापा एक बीमारी की शक्ल में आपकी बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है और मोटे बंदों में जब कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो उनमें मोर्टेलिटी का रिस्क और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है, जो ट्रीटेबल है। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप मोटे हुई ना, और अगर किसी वजह से आप मोटे हो चुके हैं तो फौरी तौर पे आपको कॉन्शियस होना चाहिए और अपने वज़न को कम करना चाहिए। वज़न कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी डाइट को कंट्रोल करें और उतना खाएं जितना आप हज़म कर सकें। आपकी बॉडी में एक पर डे डेफिनेट रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की। अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे तो ये सारे का सारा मोटापे की शक्ल में आप बेसिकली इकट्ठा करते चले जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में वेस्टर्नाइजेशन के साथ साथ हमारी क्वालिटी ऑफ फूड और जो नॉर्मल खुराक हम सादा किसी ज़माने में खाया करते थे वो चेंज हो चुकी हैं। आजकल की जनरेशन ज़्यादा जंक फूड खाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में मोटापा पाकिस्तान में भी बढ़ता चले जा रहा है और ये एक एपिडेमिक की तरह है। आइंदा कुछ सालों में अगर लोग अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस ना रहे और मोटे होते रहे तो इससे हमारे मुल्क में कैंसर्स, शुगर, हार्ट और जिगर की बीमारियां बहुत हद तक बढ़ जाएंगी और उनकी ट्रीटमेंट फिर बड़ी कॉस्टली भी है, हर एक में ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव भी नहीं होती। तो आपसे गुजारिश ही है कि ये वो टाइम है कि अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें, खाना कम मिकदार में खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपना वज़न अपनी हाइट के तनासुब से हमेशा मेंटेन करें। बहुत आसान है, इंटरनेट के ऊपर हर कोई बंदा अपनी हाइट और वेट डाल के अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकता है।
तो अपना बॉडी मास इंडेक्स 25 के अराउंड या उससे कम रखें। आई होप इस वीडियो से आप अपना लाइफस्टाइल कुछ बेहतर करने में आपको मदद मिलेगी और आप आइंदा बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे। थैंक यू।